गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो अपने जो टॉपिक चल रहा था वो अध्यावनी तंत्र, मानव का अध्यावनी तंत्र और अध्यावनी तंत्र क्या होता है, त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न जो होते हैं वो मिलकर अध्यावनी तंत्र का निर्माण करते हैं। और अध्यावनी तंत्र के अंदर आपको पता ही बच्चों को त्वचा की संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। त्वचा की संरचना के बारे में अधिचर्म के बारे में पढ़ा था, अधिचर्म के 500 स्तर होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपन ने चर्म के बारे में पढ़ा था, चर्म के 2 स्तर होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज जो अपन जो बात करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज बात करेंगे जो त्वचा के व्युत्पन्न की बात करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा, इससे कुछ चीज़ें अपन और मेंशन करेंगे। ठीक है, तो आज जो डिस्कस करेंगे जो अपन त्वचा के व्युत्पन्न के बारे में बात करेंगे, त्वचा के व्युत्पन्न के बारे में बात करें, त्वचा के व्युत्पन्न में भी एक जो अपन लेक्चर है वो बना चुके हैं, उसमें अपन रोम और रोम की संरचना के बारे में पढ़ा था। रोम और रोम की संरचना के बारे में क्या क्या पढ़ा था आप पता ही बच्चों, सबसे पहले रोम पुटक के बारे में, हेयर फोलिकल के बारे में पढ़ा। रोम पुटक क्या होता है, जो अधिचर्म के अंदर जो दसावा भाग होता है जिस, ठीक है, जो थैलीनुमा संरचना होती है उसको रोम पुटक बोलते हैं। उसके बाद अपन ने क्या बताया, रोम जड़ के बारे में पढ़ा था, जो इसका जो अंदर दसावा भाग होता है इसका और जड़ का जो उभरा हुआ भाग उसको बल्ब बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो कोशिकाएं होती है रोम पुटक के या रोम पिपिला ऊपरी कोशिकाएं होती है जो विभाजनशील प्रकार की होती है और वो क्या होती है, नई कोशिका निर्माण करती है जो बाल की वृद्धि में सहायक होती है। तीसरा अपने रोम पिपिला पढ़ा था, जो रोम जो होता है पुटक होता है उसके नीचे एक गड्ढा होता है, रोम पुटक होता है। देखिए ये रोम पुटक है, ठीक है, ये पुटक है, पुटक के निचले भाग में क्या होता है एक छिछला गड्ढा होता है, ये गड्ढा होता है इसको, इस गड्ढे में क्या होती है रक्तवाहिनी में गुच्छा पाया जाता है इसको रोम पिपिला कहते हैं। रोम पिपिला क्या करता है, इसकी जड़ों को नरिश करता है, मतलब पोषण प्रदान करता है, जिससे क्या होता है विभाजनशील कोशिकाओं को पोषण मिलता है, बाल की वृद्धि होती रहती है। इसके बाद अपने रोम कांड के बारे में डिस्कस किया, रोम कांड जो होता है इसका जो अधिचर्म से बाहर निकला हुआ भाग नीचे भाग होता है उसको रोम कांड कहते हैं। रोम कांड को आपने अनुप्रस्थ काट काट के देखा था, इसके 3 स्तर होते हैं, कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहर स्तर होता है उसको उपत्वचा बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, और ये कोशिकीय और सल की कोशिकाओं में बना हुआ होता है, एक कोशिकीय और सल कोशिकाओं में बना होता है। ठीक है, दूसरा स्तर होता है वो अब कॉर्टेक्स होता है, इसको वल्कुट बोलते हैं। ये कोशिकाओं अनेक स्तर पाए जाते हैं, इन कोशिकाओं के बीच में रंगाकरण पाए जिसकी वजह से क्या होता है, कोशिकाओं का रंग बाल का रंग होता है, बाल को रंग प्रदान करता है। इसी रंगाकरणों की वजह से यदि इनकी कमी हो जाती है तो उनमें क्या होता है, हवा होती है, एयर ट्रैप हो जाती है, हवा भर जाती है बालों में, उसके बाल सफेद हो जाते हैं। तीसरा जो अपने स्तर पढ़ा था सेक्स में बाल का, सबसे आंतरिक स्तर का था वो तो मध्यांचल मेडुला था, ये सबसे आंतरिक स्तर होता है जो बहुकोणीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये जो जो स्तर होता है जो सबसे अंदर जो मध्यांश या जो सबसे आंतरिक स्तर था मध्यांश था, ये मेडुला था, ये क्या करता है बाल के अक्ष जो होता है इसका निर्माण करता है। तो इस प्रकार से अपने पहले जो वीडियो लेक्चर के अंदर एक जो व्युत्पन्न था, जो बाल था, हेयर था या रोम था, उसके बारे में, उसकी संरचना के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बात दूसरे जो त्वचा के व्युत्पन्न उनकी बात भी डिस्कस करते हैं, वो है तो ग्रंथियां, ये क्यूटिनियस ग्लैंड, इंग्लिश में बात करते हैं क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूटिनियस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, क्यूटिनियस ग्लैंड, ठीक है, क्यूटिनियस ग्लैंड, तो ग्रंथियां, तो ग्रंथियां क्या होती है बच्चों, सबसे पहले बहिस्त्रवी प्रकार की होती है, ये सुनो बहिस्त्रवी क्या होती है, तो ग्रंथियां बहिस्त्रवी प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन टाइप की होती है। और इसका मतलब क्या होता है, बहिस्त्रवी प्रकार के मतलब क्या होता है कि ये नलियां, इन नलियों में नलिका पाई जाती है जो अधिचर्म की सतह पर होती है, जो इनका स्त्राव होता है नलिका के माध्यम से अधिचर्म की सतह पर रिलीज होता है, स्त्रावित होता है, समझो। तो मतलब वो नलिया, वो ग्रंथियां जो नलिका के, वो ग्रंथियां जो नलिका के द्वारा अपना स्त्राव अधिचर्म की सतह पर निकालती है या छोड़ती है या स्त्रावित करती है, उन नलिकाओं क्या होते हैं, बहिस्त्रवी प्रकार की ग्रंथियां कहते हैं। देखो यहाँ पर भी आप देखोगे ये देखो नलिका के द्वारा छोड़ रहा है अपना जो स्त्राव, इसमें भी क्या नलिका पाई जाती है ये, ठीक है, ये नलिका पाई जाती है श्वेत ग्रंथि में, ठीक है, ये नलिका के द्वारा बोलती है। और इनका जो निर्माण होता है, याद रखना इनका जो निर्माण की बात करें तो इनका जो निर्माण होता है अधिचर्म के जो मेल पी स्तर होता है उसके अंतर्वलन से होता है,
ठीक है, अब हम बात करते हैं तौक जो ग्रंथियों की बात करते हैं, या तौक ग्रंथियां जो बहिस्तर प्रकार की ग्रंथियां थी, ये ग्रंथियां जो होती है इनका जो निर्माण होता है, देखो ये अपन चाहे आप मान लो इस ग्रंथि का मान लो जो तेल ग्रंथि का मान लो, ठीक है, तेल ग्रंथि का देखो ये अधिचरम की आंतरिक सतह है, ठीक है, कौन स्टेटम जर्मिनेटम, ठीक है, स्टेटम जर्मिनेटम के अंतर्वलन से हो रहा है। अधिचरण का सबसे आंतरिक स्तर कौन सा है, स्टेटम जर्मिनेटम, जिसको अंकुरण स्तर बोलते हैं, ये मेनपिक स्तर बोलते हैं, इसके अंतर्वलन से हो रहा है। ये भी देखो ये भी जो हो रही है किसके अंतर्वलन से हो रही है, इस प्रकार से अंतर्वलन से किसके, अधिचरण का आंतरिक स्तर जो मेनपिक स्तर होता है उसके अंतर्वलन से होती है। और अब बात करते हैं जो अधिचरण ग्रंथि है वो निम्न प्रकार की होती है, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वेद ग्रंथि की, सबसे पहले जाना है स्वेद ग्रंथि, स्वीट ग्लैंड, ठीक है, स्वीट ग्लैंड की बात करें तो बच्चों ये जो ग्रंथियां नलिकाकार संरचना होती है, देखो ये ग्रंथि सरल नलिकाकार ग्रंथियां होती है, सरल नलिकाकार ग्रंथि, देखो ये स्वेद ग्रंथि मेरी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये स्वेद ग्रंथि, ठीक है, स्वेद ग्रंथि, तो ये सरल नलिकाकार संरचना होती है जिनका जो कुंडलित भाग होता है, देखो नीचे वाला जो कुंडलित भाग होता है ये किसमें दशा हुआ है, अधिचरम के स्वचरम के अंदर दशा होता है, जिनका कुंडलित भाग होता है किसके अंदर दशा हुआ, देखो ये सरल नलिकाकार संरचना है, देखो स्वेद ग्रंथि की बात करो, स्वेद ग्रंथि की बात करें, स्वेद ग्रंथि सरल नलिकाकार संरचना है, सरल नलिकाकार संरचना है, ये सरल नलिकाकार संरचना है, ठीक है, इनका जो कुंडलित भाग होता है, इनका जो कुंडलित भाग होता है, ठीक है, इनका जो कुंडलित भाग होता है, ये हेयर ग्लव लिख देता हूं यहां पे, इनका कुंडलित भाग होता है चरम के अंदर रहता है, ठीक है, इस इनका जो स्त्राव होता है या इनके जो इनका जो सीक्रेशन होता है, यानी इनका जो स्त्राव क्या बोलते हैं, स्वेद या पसीना बोलते हैं, ठीक है, और पसीने के अंदर क्या क्या होता है, पसीने के अंदर क्या होता है, जल होता है, लवण होते हैं, ठीक है, पसीने के अंदर तो क्या होता है, जल होता है, लवण होते हैं, यूरिया होता है, और क्या होता है, सीओ टू होता है, ठीक है, और क्या होता है, कुछ मात्रा में क्या होता है, सीओ टू, ये कंटेंट इसके अंदर पसीने के अंदर पाए, इनका जो स्त्राव होता है क्या स्वेद या पसीना बोलते हैं, और इनके अंदर ये चीजें होती है, जल भी होती है, लवण भी होता है, यूरिया भी होता है, और क्या होता है, सीओ टू होती है, इसी कारण पसीना क्या होता है, नमकीन होता है, इसी कारण पसीना क्या होता है, नमकीन होता है, पहली बात तो ये जो आप बुक में देखिए इसी कारण जो नमकीन होता है, ठीक है, और आपको पता है ये जो एक ग्रंथि होती है, ये कि जैसे पता है मह नलिका के द्वारा होता है कि अधिचरण की सतह पर खुलती है, और इनके इस तरह को क्या बोलते हैं, पसीना बोलते हैं, पसीने के अंदर क्या होता है, जल लवण यूरिया और शोट होती है, इसी कारण जो पसीना होता है वो क्या होता है, एक नमकीन होता है, और ये जो ग्रंथियाँ होती है ये एक क्राइम एपोक्राइन तथा मीजोक्राइन प्रकार के होते, ठीक है, एपोक्राइन और मीजोक्राइन का मतलब है इस प्रकार ये जो ग्रंथियां होती है एपोक्राइन मीजोक्राइन प्रकार के होते हैं, एपोक्राइन मीजोक्राइन ग्रंथियां का मतलब क्या होता है, इनका जो स्त्राव होता है वो कोशिका झिल्ली से रिस रिस के बाहर निकलता है, ठीक है, मान लो ये कोई ग्रंथि है इस प्रकार से, ये ग्रंथि है तो इस ग्रंथि का जो सीक्रेशन होगा इन झिल्ली से रिस रिस के बाहर निकलेगा, और ये फिर एक साथ इस प्रकार से बाहर निकलता रहेगा, ठीक है, तो इनका जो स्त्राव होता है वो कहाँ पे इससे झिल्ली से रिस रिस के बाहर निकलता है, इसलिए क्या होती है एपोक्राइन मीजोक्राइन ग्रंथि होती है, और इनका जो स्त्राव क्यों, क्योंकि इनका जो स्त्राव होता है जो कोशिका झिल्ली से रिस रिस के बाहर निकलता है, ठीक है, रिस रिस के तो इस झिल्ली से रिस रिस के मतलब रिस रिस के जो होता है वो बाहर निकलता है। मनुष्य में लगभग 25 लाख स्वेद ग्रंथियां पाई जाती है, मानव में एपोक्राइन जो ग्रंथियां होती है, ठीक है, कितने ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य के अंदर, 25 लाख स्वेद ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य के अंदर, बात करें कितनी पाई जाती है, 25 लाख स्वेद ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य के अंदर, अपने बात करें जो ये एपोक्राइन प्रकार की जो स्वेद ग्रंथियां होती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, आँख की जो पुतली होती है उसमें पाई जाती है, जो जननांग होते हैं उनके चारों तरफ पाई जाती है, और जो गुदा होता है उसके चारों तरफ पाए जाते हैं, चूचक होते हैं, निप्पल्स होते हैं, ब्रेस्ट निप्पल्स होते हैं वहाँ पर ही पाई जाती है, ठीक है, इस प्रकार से ये जो ग्रंथियाँ होती है पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा स्वेद ग्रंथि होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, हथेली और तलवों में पाई जाती है, उसमें याद रखना, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्वेद ग्रंथि की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्वेद ग्रंथियाँ जो होती है तो पसीने की जो ग्रंथियाँ होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, हाथों में पाई जाती है, जो हथेली होती है वहाँ पर तलवों में पाई जाती है, और इन ग्रंथियों का जो कार्य क्या होता है, बच्चों ताप नियंत्रण का होता है,
ठीक है दिख रहा होगा आपको इसको, इनका कार्य क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन, ताप नियंत्रण। ये कार्य क्या करती है, इनका कार्य क्या होता है, इंद्रियों का कार्य क्या होता है, पसीना आने का कार्य क्या होता है, ताप नियंत्रण, पसीने से ताप नियंत्रण कैसे होता है, आपको ये सारी चीजें पता ही है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है आपको बताइए, आपको मैं बता दूँ श्वेत ग्रंथि कहाँ कहाँ पाई जाती है, हिप्पोक्राइन प्रकार की श्वेत ग्रंथि कहाँ कहाँ पाई जाती है, आँख की जो पुतली होती है, ठीक है, जननांग होते हैं, गुदा और चूचक जो ब्रेस्ट निपल्स होते हैं वहां पर पाई जाती है, और सर्वाधिक मात्रा में हथेली तले और बगल में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिए, और इनका कार्य होता है बच्चों ताप नियंत्रण का इनका कार्य होता है। तो ये होगी आपको श्वेत ग्रंथियां। ठीक है, तो श्वेत ग्रंथि के बारे में वापस सुन लो एक बार बच्चों, ताकि आपको याद आ जाए, फिर अपन दूसरी ग्रंथि पढ़ेंगे तेल ग्रंथि, उसके बारे में। श्वेत ग्रंथि की बात करें, श्वेत ग्रंथि के बारे में वापस सुनो, श्वेत ग्रंथि ये क्या होती है, सरल नलिका का संरचना होती है, पहली बात इसमें आपको। ठीक है, इनका जो कुंडलित भाग होता है चरम के अंदर धंसा हुआ होता है, दूसरी बात। ठीक है, इनका कुंडलित भाग होता है वो क्या होता है, चरम के अंदर धंसा हुआ होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये जो ग्रंथियां होती है, ये जो ग्रंथियां होती है एक पतली नलिका के द्वारा अधिचरण की सतह पर खुलती है, देखो अधिचरण की सतह पर खुलती है, पतली नलिका के द्वारा अधिचरण की सतह पर खुलती है। इनका जो स्त्राव होता है उसको पसीना कहते हैं, पसीने के अंदर जल होता है, लवण होते हैं, कुछ मात्रा में यूरिया होती है, और क्या होती है, सीओटू होती है। ठीक है, इसके अलावा इसीलिए क्या होता है, पसीना होता है और वो नमकीन होता है, और इनका जो स्त्राव होता है ये एपोक्राइन और किस प्रकार का होता है बच्चों, इसका इनका जो स्त्राव होता है वो एपोक्राइन बीजो प्रकार होता है, क्योंकि इनका जो स्त्राव होता है वो कोशिका झिल्ली से रस रस के बाहर निकलता है, रस रस के निकलता है। ठीक है, मनुष्य के अंदर 25 लाख जो होती है वो एपोक्राइन प्रकार की श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है, मुख्य रूप से अपन बात करें तो ये श्वेत ग्रंथियां कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये ग्रंथि आँख की जो पुतलियाँ होती है वहाँ पर, जैसे अपन बात करें, ठीक है, आँख की पलकों में, तो आँख की पलकों में और आपके जननांगों के चारों तरफ, गुदा के चारों तरफ, और जो लास्ट था आपके, ठीक है, जो चुक-चुक होते हैं या निपल्स बोलते हैं, ब्रेस्ट निपल्स होते हैं वहाँ पर ही पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में जो श्वेत ग्रंथियाँ जो पाई जाती है वो जो सर्वाधिक मात्रा में श्वेत ग्रंथियाँ हथेली में, तलुओं में और बगल में पाई जाती है। इनका कार्य क्या होता है, ताप नियंत्रण करना होता है। अब बात करते हैं दूसरी जो ग्रंथि है उसकी बात करते हैं, दूसरी ग्रंथि है तेल या सीबीसी ग्रंथि। ठीक है, तेल या सीबीसी ग्रंथि, ठीक है, तेल या सीबीसी ग्रंथि की बात करें तो ये जो होती है ये बालों की जड़ों में पुटिकाओं के पास पाई जाती है। देखो ये तेल ग्रंथि अपने लिखा है, ये बालों की जड़ों की जड़ थी, ये पुटिका पुटिका के पास पाई जाती है, और ये बनती कैसे है, पुटिका की एपिथेलियम होती है उसके अंतर्वलन से बनती है, ये एपिथेलियम पुटिका की एपिथेलियम उसके अंतर्वलन से बनती है, देखो ये पुटिका की एपिथेलियम उसके अंतर्वलन से ही बनती है। ठीक है, इसलिए और इनका जो स्त्राव होता है ये ग्रंथि पुटिका में खुलती है, अब इसे बनी है खुल खा रही है, पुटिका के अंदर तो खुल रही है, ठीक है, ये खुल खा रही है, पुटिका के अंदर ही खुल रही है ये, ठीक है, पुटिका के अंदर ही खुलती है। सबसे पहले मैं बात बताऊँ कि ये क्या होता है, पुटिका के साथ में जुड़ी हुई पाई जाती है, और ये इनका जो बनने का होता है ये किससे बनती है, पुटिका के जो एपिथीलियम उसके अंतर्वलन से बनती है, इनका जो ये खुलती क्या है, ये पुटिका के अंदर ही खुलती है। ठीक है, ये होगी तीन बात। इसके बाद बात करते हैं तेल ग्रंथियां जो होती है होलोक्राइन प्रकार की होती है, मतलब क्या होती है, ये जो जब किसी रस से या इसके स्त्राव जब भर जाती है तो ये स्त्राव के साथ साथ पूरी पूरी कोशिका टूट के बाहर, होलो मतलब संपूर्ण पूरी कोशिका टूट के बाहर निकल जाती है। ठीक है, जैसे होलोक्राइन की बात करें तो मान लो ये कोशिका है, मान लो ये कोई क्षेत्र इसमें ये कोशिकाएं होती है, यहाँ पर ये कोशिकाएं होती है, मानो देखो कि ये साकिट जो ट्यूबुलर या इसमें गुप्तिकाएं पाई जाती है इस प्रकार से, मान लो ये अभी ये कोशिका जो भर के लिए क्या पूरी की पूरी टूट के साथ में निकल जाएगी इसे, ठीक है, ये पूरी की पूरी जो कोशिका है वो टूट के मतलब क्या होती है रस के साथ में निकल जाती है, इसलिए होलो होलो और संपूर्ण, ठीक है, कोई कोशिका टूट के बाहर निकलती है कोशिका रस के साथ। इनके जो स्त्राव होता है उसको सीबम बोलते हैं, दूध के समान गाढ़ा स्त्राव निकलता है उसको क्या बोलते हैं, सीबम बोलते हैं, और सीबम क्या होता है, त्वचा को नम बना के रखता है, और बाल जो होते हैं उनको क्या करता है, वाटर प्रूफ या जलरोधी बनाता है।
तेल ग्रंथियां रचना विशाख की तो एक कोष्ठी होती है और इन ग्रंथियों के दूर जैसे समान गाढ़ा तेल पदार्थ बंदर से सिकुम करते हैं। ये सिकुम रोम कांड को चिकना रहता है और त्वचा चिकनी जल्द होती रहती है इसका, ठीक है। इसमें बाकी इसके बाद तेल ग्रंथियों शरीर के सारे भागों में पाई जाती है, मुख्य रूप से ज्यादा मात्रा में कहाँ कहाँ पाई जाती है बच्चों, ये किंतु हथेली और तलों में अनुपस्थित, शरीर के सभी भागों में पाई जाती है लेकिन हथेली और तलों में अनुपस्थित होती है। और सबसे ज्यादा बच्चों ये कहाँ पाई जाती है आप याद रखना, होठ शिश्न मुंड स्तन की गुंडियों पर बाल तो नहीं पाई जाती किंतु ये ग्रंथियाँ पाई जाती है। इन ग्रंथियों में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण होता है, कैसे होता है ये भी सुनो। अपने बात की तेल ग्रंथियाँ सबसे पहले, तो तेल ग्रंथियाँ कहाँ मैंने क्या बताया थी, ये ग्रंथियाँ केवल पुटकों के साथ में जुड़ी पाई जाती है, ठीक। सबसे पहले लाइन अपन क्या करती है, ये ग्रंथियाँ पुटकों के पास पाई जाती है ना, जो रोम पुटक होते हैं उनके पास पाई जाती है। इनका जो निर्माण होता है जो पुटक की जो एपिथीलियम उससे ही होता है, ठीक है, पुटक की एपिथीलियम से ही होता है और ये पुटक के अंदर ही खुलती है, तीसरी बात, ठीक है। इसके बाद जो अपने बात कही थी ये क्या होती है, साकित और कोष्ठी होती है, ये जो होती है कोष्ठ पाए जाते हैं और ये होलोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती है। होलोक्राइन का मतलब क्या होता है, ये जो ग्रंथियां होती है ये इसके रस के साथ में, इसके रस के स्त्राव के साथ पूरी कोशिका टूटकर बाहर निकल जाती है। इनका जो स्त्राव होता है वो दूध के समान गाढ़ा होता है, इसको सीबम बोलते हैं। सीबम जो होता है बच्चों बालों को चिकना बना के रखता है, ठीक है, बालों को नम और चिकना बना देता है, त्वचा को नम और झलरोती बनाता है, ठीक है। ये जो ग्रंथियां होती है विशेष क्लियर ग्रंथियां होती है, ये शरीर के सारे भागों में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, हथेली और तलों में नहीं पाई जाती। तेल ग्रंथि बोलते हैं, ये हथेली और तलों में नहीं पाई जाती, ये जो ग्रंथि है केवल हथेली और तलों में नहीं पाती, बाकी हथेली और तलों में नहीं पाई जाती, तलों में नहीं पाई जाती, बाकी शरीर के सभी भागों में। सभी भागों में पाई जाती है, हथेली और तलों में नहीं पाई जाती, बाकी शरीर के सभी भागों में पाई जाती है। हथेली और तलों में तेल ग्रंथि क्यों नहीं, तेल होगा तो अपन स्लिप हो जाएंगे, किस चीज को पकड़ेंगे स्लिप हो जाएंगे, कहीं चलेंगे स्लिप हो जाते हैं। इसे फंडा याद रखना कि हथेली और तलों में तेल ग्रंथि नहीं पाई जाती, बाकी शरीर के सभी भागों में पाई जाती है। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है बच्चों, ये होठों पर पाई जाती है, शिश्न मुंड होता है, शिश्न मुंड होता है वहाँ पर, जो पेनिस ग्लास पेनिस होता है वहाँ पर बात करें, शिश्न मुंड होता है वहाँ पर पाई जाती है, और जो निप्पल्स होते हैं वहाँ पर, जो निप्पल से जो चुचक होते हैं उनके ऊपर पाई जाती है, ठीक है। और ये ग्रंथि पाई जाती है, और इन ग्रंथि के अंदर क्या दूसरी बात क्या होती है आपको बता दें, इन ग्रंथि के अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये क्या होता है, इन ग्रंथि के अंदर क्या होता है, इनके जो सीबम होता है उसके अंदर क्या कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब सनलाइट गिरती है, जब प्रकाश गिरता है, ठीक है, तो प्रकाश गिरता है तो बच्चों क्या होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ग्रंथि होती है विटामिन डी के निर्माण में भी सहायक होती है, संश्लेषण होता है। तो इन ग्रंथियों में क्या होता है, विटामिन डी का भी संश्लेषण होता है, हो नहीं सकता होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जब सनलाइट से गिर जाता है, कहते हैं धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी बनता है। विटामिन डी क्यों बनता है, क्योंकि त्वचा की जो ग्रंथियां होती है, तेल ग्रंथियां होती है, इसके अंदर एक कोलेस्ट्रॉल नाम का रसायन पाया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल नाम का रसायन जब सूर्य की प्रकाश से क्रिया करता है तो इससे विटामिन डी का निर्माण होता है। और विटामिन डी आपको पता है बच्चों हड्डियों के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो बच्चों ये थी अपनी दूसरी ग्रंथि तेल ग्रंथि जो अपने डिस्कस किए, देखो एक बार। इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरी ग्रंथि है जो अपनी स्तन ग्रंथि, उसके बारे में जिसको मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। देखो मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना जो मेमिलियन से उसका एक प्रमुख लक्षण है, ये लाइन आपके नहीं देखते हो लेकिन बता रहा हूँ, मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना मेमिलियन का प्रमुख लक्षण है। और मनुष्य के अंदर ये क्या होती है, जो वक्ष भाग होते हैं वहां पर पाई जाती है, वक्ष भाग मतलब तो थोड़ी सी बार रीजन होता है वहां पर पाई जाती है। ये नर और मादा दोनों में ही पाई जाती है। नर के अंदर तो क्या होती है, अवशेष प्रकार की होती है, मादा के अंदर सक्रिय होती है, और जनन
जन्म के बाद क्या होती है, बच्चे को दूध पिलाने के बाद ये सक्रिय हो जाती है, यहाँ से दूध का सिक्रेशन होना चालू होता है। ये जो होती है स्तन ग्रंथियाँ होती है, ये जो बच्चों होती है ये संयुक्त नलिका का और संयुक्त कूपिका का प्रकार की जो होती है, और ये जो होती है चरम की गहराई में पाई जाती है, अधिचरम गहराई में पाई जाती है। यहाँ पर नहीं बता रहा मैं, लेकिन अधिचरम बता रहा हूँ, यहाँ पर अधिचरम गहराई तक ये पाई जाती है, और ये कूपिका का संयुक्त कूपिका संयुक्त नलिका का प्रकार की होती है, याद रखना ठीक है। ये किस प्रकार की होती है, नलिकाकार में होती है, ये संयुक्त नलिका का या संयुक्त कूपिका होती है, इसमें कई नलिकाएं मिलकर क्या होती है ऐसे नलिकाएं बनाती है, ये ग्रंथि एपोक्राइन प्रकार की होती है ठीक है। और ये ग्रंथि होती है जो नर के अंदर, तो मैंने बताया उससे इसी प्रकार की होती है, मादा के अंदर सक्रिय होती है, दूध का स्तन होती है जो बेबी को या बच्चे को पोषण देने में मदद करता है, बेबी फीडिंग में मदद करता है ठीक है। इसके बाद जो स्तन ग्रंथि की बात करें, स्तन ग्रंथियाँ स्तन ग्रंथियाँ होते हैं, इनकी वृद्धि जो होती है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है, और जो दूध का सीक्रेशन है, मिल्क का सीक्रेशन आफ्टर प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के बाद जो मिल्क का सीक्रेशन है वो किससे, ऑक्सीटोक्सिन के द्वारा नियंत्रित होता है, जो आपके इस प्रकार। तो एक बार देखो ये चीज़ें नोट करूँगा आपको सारी। और साधारण स्तन ग्रंथियाँ जो होती है तेल ग्रंथियों के रूपांतरण होती है, अब देखो तेल ग्रंथि की बात, स्तन ग्रंथि की बात करिए याद रखना, स्तन या मेमोरी ग्लैंड, तो यहाँ पर एक मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, मेमोरी ग्लैंड है ये, जो मेमोरी ग्लैंड होती है ये मेमेलियन का प्रमुख लक्षण है। आप लाइन नहीं देख ली मेमेलियन, अपन जो मेमेलियन मतलब जिनके मेमोरी स्तन ग्रंथि मेमेलियन कैटेगरी के अंदर करें तो वो प्रमुख लक्षण होता है। ये मनुष्य के थोरेसिक रीजन में बोले तो वक्षीय भाग में पाई जाती है, यहाँ पर पक्षीय भाग में पाई जाती है ठीक है। और ये चरम के अंदर धसी रहती है, चरम के जो आंतरिक भाग होता है चरम के अंदर गहराई में धसी रहती है, ये एपोक्राइन प्रकार की होती है ठीक है। एपोक्राइन मतलब इनका स्त्राव बाहर निकलता है, कोशिका टूट के बाहर नहीं निकलती ठीक है। ये एपोक्राइन प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है, एपोक्राइन प्रकार की है ठीक है। फिर बात आती है ये संयुक्त नलिका का, संयुक्त कूपिकाकार होती है ठीक है। संयुक्त नलिका संयुक्त कूपिकाकार होती है, इसमें क्या होती है नलियां मिलकर क्या होती है एक सह नलिका, इसमें बहुत सारी नलियां सह नलिका का निर्माण करती है। और इसके अंदर क्या होता है, ये जो होती है मनुष्य के अंदर बात करें तो नर जो होता है उसके अंदर अवशेषी प्रकार की होती है, मतलब सक्रिय नहीं होती है, और माता के अंदर सक्रिय होती है। और प्रेगनेंसी की बात मतलब क्या होता है, बच्चे के जन्म के बाद क्या होती है सक्रिय हो जाती है, दूध का उत्पादन करना चालू कर देती है, जिससे क्या होता है बच्चे को पोषण देने में मदद मिलती है। और इनका जो वृद्धि है ये किसके द्वारा, जो आफ्टर अपन मेच्योरिटी जो परिपक्व अवस्था होती है मादा की, उसमें जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं वो उसकी जो ग्रोथ है उसको, ब्रेस्ट जो ग्लैंड है उसकी ग्रोथ को नियंत्रित करते हैं। और जो दूध का स्त्राव जो होता है वो जो ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन उसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसके अपन ग्रोथ की बात करते हैं, वृद्धि की बात करें, वृद्धि किसके द्वारा निर्माण होती है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा। और जो दूध का सीक्रेशन है इस तरह होना वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है बच्चों, वो ऑक्सीटोक्सिन के द्वारा, ऑक्सीटोक्सिन के द्वारा नियंत्रित होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऊपर बात करते हैं कि ये जो होते हैं किसका रूपांतरण होती है, तेल ग्रंथियों का रूपांतरण याद रखना ठीक है। ये तेल ग्रंथियों का रूपांतरण है, अब स्तन ग्रंथि किसका रूपांतरण, स्तन ग्रंथि बच्चों किसका रूपांतरण है, तेल ग्रंथियों का रूपांतरण है। तो आज की कक्षा के अंदर बच्चों ने तीन तो ग्रंथियों तीन ग्रंथि के बारे में बात की, श्वेत ग्रंथि की बात की, तेल ग्रंथि की बात की है, और आपके स्तन ग्रंथि की बात की, जो बिल्कुल बुक्स वाली लाइन ही मैंने सारी की सारी यहाँ पर डिस्कस की है। और एक्स्ट्रा बात कुछ नहीं बताइए, वही चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, कोई दिक्कत कोई हार्ड नहीं है ठीक है। कोई दिक्कत हो तो अपना वो डिस्कस करेंगे, जब ऑफलाइन मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ तक आप जरूर नोट्स को याद कर लेना ठीक है। आज के एग्जाम तब होता है।